नमस्कार साथियों। तो ये बाथरूम की टाइल्स फिटिंग कर रही है। इसके पहले एक टाइल छोड़कर लेवल से पट्टी लगा लीजिए। एक टाइल की जगह छोड़कर पट्टी लगानी है अपन को लेवल से। और ये हमारे टाइल की छाई थोड़ी छोटी है, ये 8 x 12 इंच की टाइल है। इसके लिए 12 इंच की जगह छोड़कर फंटी फिक्स कर दीजिए लेवल से। यहाँ मैंने इस साइड में टाइल लगाई है, फंटी लगा कर लेवल से ये मैंने लगा दी है। इसकी टाइल्स की हाइट 4 फीट ही है, 4 फीट ही लगानी टाइल इसमें। इसी प्रकार अपन को इस साइड भी टाइल लगानी है, साइड भी। तो देखिए अब मैं टाइल लगा रहा हूँ।
Soy tất cả anh. Ủa? Soy. Cái gì? Mặt khá đỡ tầm trọng đi. Để đây đâu hả? Ừ. Là gì mẹ cũng đến. Không. Anh đọc người, cái tôi đẹp bước rồi này. Mọi người đã xin. Ừ. Để đây tầm bước mét nữa. साथियों टाइल्स काफी हमने लगा लिए हैं, अभी इसको टाइल को साफ करते हैं पानी से अच्छी तरह से, बढ़िया शानदार तरीके से साफ करके उसके बाद व्हाइट सीमेंट से जॉइंट भरने हैं। अब ये जॉइंट जो दिख रही है व्हाइट सीमेंट भरने के बाद में जॉइंट का पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल। अभी हम इसकी अच्छी तरह से सफाई करेंगे, उसके बाद फर्श की भी टाइल्स लगा देंगे। फर्श नीचे टाइल लगाने के बाद में पूरी टीप व्हाइट सीमेंट से जॉइंट भर देंगे। तो टाइल्स को साफ़ कर दिया है अच्छी तरह से, नीचे फर्श लगाना शुरू भी कर दिया है। ये देखिए अभी हम फर्श लगा रहे हैं नीचे, ये फर्श लगाना शुरू कर दिया है। वहाँ कॉर्नर में पानी का पाइप दे दिया पानी निकलने का। अभी पूरा फर्श लगा देंगे, उस बाद टी भरेंगे, जॉइंट भरने के बाद ये सामने वाली लाइन वो कटिंग करके लगाएंगे, फिर टाइल्स हमारे कम्प्लीट है पूरी। फर्श की टाइल की साइज़ है 1 फीट बाई 1 फीट की है, 12 इंटू 12 इंच की ये साइज़ है।